ले चलते हैं उदयपुर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोहनलाल सुखरिया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। विद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े जी, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटेरिया जी, जो इस विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी है, उन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ MA किए हैं, LLB किए, फिर BEd किए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ जी, कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी, सभी प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण, अभिभावकगण, देवी और सज्जन और प्रिय विद्यार्थियों, इस समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष विशेष बधाई देती हूँ। आज का दिन न सिर्फ उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष है, बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मैं सभी शिक्षकों और अभिभावकों को भी सराहना करती हूँ, जिनके सहयोग और प्रोत्साहन से विद्यार्थी इस उपलब्धि का प्राप्त कर सके हैं। मैंने देखा है कि हमारे बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिया, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ और जयपुर की विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। राणा रंग सांगा, महाराणा प्रताप और भक्ति काल की महान संत कवियत्री मीराबाई का ये क्षेत्र शक्ति और भक्ति के संगम का क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ की जनजाति बहुल आबादी ने इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के इतिहास का आपको अध्ययन करना चाहिए, इससे आपको भारत की गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको ऐसे विलक्षण व्यक्तियों की जीवन गाथा का परिचय प्राप्त होगा, जो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। देवियों और सज्जन, स्वाधीनता संग्राम के दौरान रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए प्रजा मंडल बनाया गया है। इस क्षेत्र में गठित मेवाड़ प्रजा मंडल को माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल वोया जैसे विभूतियों ने नेतृत्व प्रदान किया है। बाद में श्री मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ प्रजा मंगल के महासचिव बने। आपके विश्वविद्यालय का नाम उनके ही नाम पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लंबा कार्यकाल था। देवियों और सज्जन, मेरा मानना है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। 6 दशकों से भी अधिक समय से ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है, जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, खेल, प्रशासन जैसे विविध क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उनमें से अपना पंजाब के राज्यपाल एक है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संलग्न 200 से अधिक महाविद्यालयों में 1,70,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विद्यार्थियों में एक बड़ी संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के विद्यार्थियों की है।
ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। इस विश्वविद्यालय से संलग्न गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में सबसे बड़ी महिला विश्वविद्यालय से में से एक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। ये सभी प्रयास महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने अनेक गांवों को गोद लिया है तथा विद्यार्थियों को ग्राम विकास से जुड़ा है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानते थे कि ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसमें चरित्र और विनम्रता ना हो हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है। उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि हो तो अभक्ति समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके चरित्र पर कोई लांछन लाए। उच्चतम नैतिक मूल्य आपके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा है। आपके जीवन के हर पहलू में इंटीग्रिटी हो, आपका हर कार्य न्यायपूर्ण और नीति संगम हो। प्रिय विद्यार्थियों, आपको 21वीं सदी की दुनिया में अपना स्थान बनाना है। ये तेज गति से हो रहे बदलाव का समय है। ये बदलाव ज्ञान विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से हो रहा है। इस बदलते परिवेश में अपनी शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए आपको निरंतर विद्यार्थी की मानसिकता यानी द स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट को बनाए रखना होगा। आप तो जो शिक्षा आपने प्राप्त की है और जीवन यात्रा के लिए एक प्रस्थान बिंदु है। जीवन यात्रा का पूरा मार्ग आपको अपने निरंतर परिश्रम और निष्ठा के बल पर तय करना है। साध्यता में प्रमाद यानी मानसिक अध्ययन ना करने की सीख केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि आजीवन साथ देती है। आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों का समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। वस्तुतः इन दोनों ने सहज संतुलन बना रहता है। संवेदना एक प्राकृतिक गुण है। परिवेश, शिक्षा और संस्कारों में व्याप्त करुणा से कुछ लोग अंध स्वार्थ का मार्ग पकड़ लेते हैं, परंतु सबके हित को प्राथमिकता देने के विचारधारा आपकी प्रतिभा को और अधिक विकसित बनाएगी। परोहित करने में अपना हित सहज ही सिद्ध हो जाता है। हमने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। आपकी पीढ़ी के योगदान के बल पर ही ये राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण में यथाशक्ति सर्वाधिक योगदान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप अपने आचरण और कार्य से अपने परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ाएंगे। इसी में आपकी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।